इधर बाड़मेर में बढ़ रही आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन में नई पहल की शुरुआत की गई है। महिलाओं के लिए जिला मुख्यालय पर कलेक्टर और एसपी दफ्तर के पास सखी केंद्र खोला गया है, जिसमें डिप्रेशन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने के साथ ही उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम और कानूनी मदद की व्यवस्था की गई है। अपराध को रोकने के लिए बाड़मेर पुलिस ने बेहद शानदार कदम उठाया है। बाड़मेर पुलिस ने घरेलू हिंसा से पीड़ित या यौन अत्याचार या समाज में बेदखल कर दी गई महिलाओं को पूरी सुरक्षा और संरक्षा देने की शानदार पहल की है। इसके लिए बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सखी वन स्टॉप सेंटर खोला गया है। 5 बेड के सखी सेंटर में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं और उनके बच्चों को रखा जाएगा। समाज में बेसहारा हो चुकी उन महिलाओं के लिए पुनर्वास केंद्र की तरह ये काम करेगा। अभी जो जिले के आज राजस्थान में सबसे ऊपर जो बाड़मेर का ग्राफ चल रहा है आत्महत्याओं को देखते हुए, उस हिसाब से सखी सेल्टर खुला है तो काफ़ी खुशी की बात है। और यहाँ कोई भी बेटी, कोई भी बहन अपने दुख दर्द सुना सकती है और यहाँ रुक भी सकती है। उसको 5 दिन 6 दिन का जो स्टॉक आराम से कर सकती है, खाने की रहने की सारी सुविधा मिलेगी। और मेडिकल, डॉक्टरी और दूसरा जैसे कोई भी रिपोर्ट करवानी है तो वो भी यहाँ के विभाग ही खुद ही करवाएंगे। दरअसल न्याय और पुलिस सहायता समय पर नहीं मिलने की वजह से बाड़मेर जिले में कई महिलाओं ने मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद अब न्याय के लिए भटक रही महिलाओं को थाने के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे, उन्हें कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा। सखी सेंटर में महिला पुलिस होगी जो मौके पर ही महिला की FIR दर्ज करेगी, साथ ही वकील भी आकर महिला की समस्या जानेंगे। केंद्र में आने वाली हिंसा पीड़ित महिलाओं का इलाज भी किया जाएगा। नोडल मेडिकल डॉक्टर की 24 घंटे ड्यूटी होगी और किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी। उद्देश्य इसका यही है कि जो भी महिला मनोवैज्ञानिक तरीके से या वैसे अपने आप को उत्पीड़ित महसूस करती है, उसको एक ही सेंटर पे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वो विधिक हो, चाहे कोई FIR दर्ज करानी हो, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे आश्रय हो, वो सारी एक सेंटर में एक छत के नीचे उपलब्ध होगी। सखी सेंटर को पुलिस और अन्य विभागों के सहयोग के साथ शुरू किया गया। महिला पुलिस की डेस्क अलग से बनाई जाएगी, दूसरे अन्य विभागों से भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। जिले भर से महिलाओं को यहां पर लाया जाएगा ताकि जिले में बढ़ रही महिलाओं की सामूहिक आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके। भूपेश आचार्य, Zee Media, बाड़मेर।